यह एक अपराध अदृश्य है। दक्षिण अफ्रीका के स्कैंडल हिट गुप्तास पर छापा मारा। गुप्ताओं के परिवार के घर पर विशेषज्ञ हॉर्क्स पुलिस यूनिट द्वारा छापे जाने के एक दिन बाद शासित अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC ने राज्य के प्रमुख के रूप में पद छोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद स्कैंडल और एक स्थिर अर्थव्यवस्था ने 9 साल के कार्यकाल में कामयाबी हासिल की। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने राष्ट्रपति जेकब जुमा के व्यापारिक मित्रों के परिवार के घर पर छापे मारे की बुधवार को आरोपों की जांच के दौरान कि परिवार ने राज्य के ठेकेदारों को जीतने के लिए और कैबिनेट नियुक्तियों को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रपति के साथ अपने संबंध का इस्तेमाल किया। गुप्ताओं के परिवार के घर पर विशेषज्ञ हॉर्क्स पुलिस यूनिट द्वारा छापे जाने के एक दिन बाद शासित अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC ने राज्य के प्रमुख के रूप में पद छोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद स्कैंडल और एक स्थिर अर्थव्यवस्था ने 9 साल के कार्यकाल में कामयाबी हासिल की। एक दर्जन भारी हथियारबंद सामरिक पुलिस ने जोहान्सबर्ग में गुप्ता के घर जाने वाली एक सड़क को रोक दिया। एक पुलिस अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया, यह एक अपराध स्थल है। जुमा और गुप्ता अमीर भारतीयों के जन्मे व्यापारियों का एक परिवार किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं। गुप्त परिवार के एक वकील ने कहा कि वह छापे पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वह अभी तक खोज वारंट देखने नहीं आया था। हाक के प्रवक्ता हंगवानी मुलादजी ने कहा कि छापे सरकार में छेड़छाड़ के आरोपों की जांच में शामिल थे। आरोपों को व्यापक भ्रष्टाचार पर न्यायिक जांच का विषय भी है। मुलाद जी ने कहा, हम इस जांच को एक बहुत ही गंभीर प्रकाश में देख रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के मामले में चारों ओर नहीं खेल रहे हैं कि तथाकथित राज्य को पकड़ने में जिम्मेदार हैं। वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने जब्त किए गए ब्यूरो के विवरण देने से इनकार कर दिया है। अगर गुप्ताओं के व्यापारिक परिसर पर भी छापे जाएंगे तो कहेंगे कि बुधवार को एक पूर्ण बयान जारी होगा। जुमा को ANC से राज्य के प्रमुख के रूप में इस्तीफा देने के आदेश को बुधवार को जवाब देने की उम्मीद थी, पार्टी के अधिकारियों ने कहा। मंगलवार को उसने जुमा को याद किया कि वह उसे कार्यालय से निकालने के लिए एक मजेदार था, लेकिन उन्हें इस्तीफा देने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं देनी थी। उसे सत्ता से जीतने के लिए संभावित लड़ाई के लिए मंच तैयार करना था। ANC के महासचिव मैक्सुले ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी को विभाजित किया गया, जब जुमा को पद छोड़ देना चाहिए। हालांकि पार्टी ने उम्मीद की कि वह बुधवार को आदेश का जवाब दे। वित्त मंत्री मालुसी गिगाबा ने CNN को मंगलवार को कहा कि जुमा बुधवार को 08:00 GMT में राष्ट्र को संबोधित करने की उम्मीद कर रहे थे। जुमा के प्रवक्ता टिप्पणी के लिए नहीं पहुंचे और राष्ट्रपति पद के लिए कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी कि यह पता होगा। ANC के प्रवक्ता पुले माबे ने राज्य प्रसारक SABC को बताया कि जुमा ANC के अनुशासित सदस्य रहे और वह आंदोलन के संवर्ग के लिए सबसे अच्छा होगा। जुमा पहले से संसद में एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं, जो विपक्षी आर्थिक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लाया गया है और फरवरी 22 के लिए निर्धारित है। ANC इस तरह के वोट के पीछे अपना वजन कम कर सकता है अगर जुमा, जो अतीत में कई अविश्वास प्रस्तावों से बच गए हैं, ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। यदि इस तरह के वोट के माध्यम से चला गया तो पूरे मंत्रिमंडल को नीचे जाना होगा।